हर घर तिरंगा अभियान पर आईटीबीपी जवानों का जोश भी हाई है। लद्दाख में जवानों ने 18,400 फीट ऊंचाई पर तिरंगा फहराया और बद्रीनाथ में आईटीबीपी जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली है। वहीं आईटीबीपी जवानों ने देशभक्ति के गाने भी गाए। आजादी के अमृत महोत्सव पर चारों ओर लोग देशभक्ति में डूबे हुए हैं और इस मौके पर राजस्थान के सभी पर्यटन स्थलों पर आज से निशुल्क प्रवेश दिया गया है। आज से 15 अगस्त तक पर्यटक पर्यटन स्थलों पर निशुल्क भ्रमण कर सकेंगे। कला एवं संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला के निर्देश पर निशुल्क किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि आज जयपुर में आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर मंतर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। पर्यटक भी बेहद खुश नजर आए। और हमने पपेट शो को भी आयोजित कर रखा है, दो जगह पपेट शो भी चल रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है। पर्यटकों की हर तरह की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। ना पूरी फैमिली को लेकर के न्यूयॉर्क से आए हैं बिकॉज हमने बच्चों को दिखाने के लिए, बिकॉज इज 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया फॉर द अमृत महोत्सव, सो वी ब्रॉट ऑल ऑफ आवर किड्स फ्रॉम द न्यूयॉर्क ओवर हियर टू वॉच लाइक हाउ ग्रेट द इंडिया इज, सो दैट दे कैन लुक एट ऑल ऑफ आवर places over here and they can be acclimated with the climate, with the culture of the India. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इंडिया में सब लोग एक साथ रहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इंडिया अमेरिका में तो ऐसे नहीं होता है, तो यहाँ पर आना बहुत मज़ा लग रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा अवसर है हम लोगों के लिए। इतना प्राउड मोमेंट है कि हम लोगों ने भी अपने घर पे लगाया है। हम लोग भी बेंगलोर से आए हैं देखने के लिए कि जयपुर भी और फिर दिल्ली भी जाएंगे कि दिल्ली में भी हम देखना चाहेंगे 15 अगस्त पर कि कैसे सारा सेलिब्रेशन हो रहा है और बच्चों को दिखाना चाहते हैं अपना कल्चर और सारी चीज़ें। मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम अमृत महोत्सव बना रहे 3 दिन का, एंड आई प्राउड ऑफ टू बी एन इंडियन एंड आई लव माय कंट्री। जय हिंद जय भारत। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने इस कंट्री में जन्म लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूरे होने पे मुझे बहुत गर्व हो रहा है और आगे भी इसी तरीके से हर्षोल्लास से हर वर्ष हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे और देश उन्नति की राह पर आगे बढ़ता रहे। पर ये सरकार का लिया गया निर्णय बहुत ही सराहनीय है। जो एक स्मारक दिखाने के पहले जो चार्जेस थे 200 रुपीज़, उसको जस्ट डबल किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे गाइडों को आर्थिक बल मिलेगा और टूरिस्टों को वो ज़्यादा मेहनत से उनको घुमाएंगे अपने।